अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर गुड मॉर्निंग। जब से बच्चों को छुट्टियां हुई भी ना, तब से तो सोकर इतना लेट उठते हैं ना, लाइक आधा दिन तो सोकर ही चला जाता है। 11 बजे 11:30 बजे सोकर उठते हैं। और जब से बच्चों को छुट्टियां हुई ना, घर भी डेफिनेटली आपका हर वक्त क्लीन नहीं रहता। बच्चे ज़ाहिर है जहाँ बैठ रहे हैं उन्होंने चीज़ें रखनी होती हैं, या उनके साइकिल्स पड़े हैं, यहाँ पर ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं और उसके बाद ये उठाते नहीं, उधर ही छोड़ जाते हैं। जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पानी वानी भी इन्होंने पास ही रखा हुआ है, ताकि इनको बाहर उठ के बार बार ना जाना पड़े किचन में। सबसे पहले उठकर बच्चों ने गेम्स लगानी होती है और मैंने इनका नाश्ता तैयार करना होता है। नाश्ते में बच्चों ने वफल खाने थे और यहाँ पर मैं इनके लिए वफल तैयार कर रही हूँ और साथ में इनको चाय बना कर दूंगी। यहाँ पे चाय भी रेडी हो रही है। चाय पीनी थी और एक ने वफल खाने थे। बस ऐसे ही बच्चों के सबकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। और मैं क्योंकि आज से अपना डाइटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ वापस, मैंने सोचा वेट लॉस की तरह थोड़ा सा चलो कुछ ना कुछ करके, तो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने रूटीन में आ जाएंगे। और इधर मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आज मैं बना थी हस्बैंड के लिए मटन, और मेरा ना मटन पुलाव खाने का दिल कर रहा था, और हस्बैंड इतने ज़्यादा कोई शौक से मटन पुलाव खाते नहीं है, उनको मटन का ना सालन ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चावल अपने लिए बना लूँ और सालन उनके लिए बना लूँ। हम लोग मतलब खुद को तो बिल्कुल इग्नोर कर देते ना, कि जो बाकी सब घर वाले खा रहे हैं या वो चाह रहे हैं वही सब कर लें, हम लोग अपना आप इग्नोर कर देते। मैंने सोचा नहीं, मैं अपने लिए सेपरेट। और जब आप किचन में आ जाते हैं ना, किचन के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। अब यहाँ पे मैंने डिश निकाल रही हूँ और डिश निकाल कर जो दूसरी डिश है वो भी लगानी है। हमारे पास ये जो कॉन्डो है ना, यहाँ पर किचन इतना कोई बड़ा नहीं है, बहुत थोड़े से कैबन है, लाइक 2-3 कैबन ही है जिसके अंदर मुझे यू नो चीज़ें एडजस्ट करके रखनी होती हैं, अदरवाइज़ बड़ा मसला हो जाता है। किचन मेरे ख्याल से घर में ना बड़े होने चाहिए। आपका क्या ख्याल है, छोटे किचन में आकर गुजारा हो जाता है या बड़े किचन होने चाहिए? अब इसके लिए मैंने राइस बनाने, तो इसको मैंने रायता से वॉश करके रख लिया। मैं कभी कभी ना टमाटरों को ना इसी तरह छिलके समेत ही डाल देती होती हूँ ना उसके अंदर, प्रेशर के अंदर बड़े अच्छे से गल जाते हैं, छिलके भी सेपरेट हो जाते हैं। छिलकों के बाद में आप कोई भी टोंग्स वगैरह लेकर निकाल लो। लेकिन चावलों में ना कभी मैं छोड़ भी देती होती हूँ छिलके। चावलों में मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं, लाइक यू नो मुझे लगता है छिलकों में भी जायका होता है। पता नहीं आप लोग डालते हैं कि नहीं, लेकिन मैं कभी कभी डाल देती होती हूँ। खाते हुए अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप निकाल के साइड पर कर दो, लेकिन मुझे लगता है उसका ना यू नो कुछ ना कुछ तो फ्लेवर आता ही होगा खाना। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में से ना सारा सालन निकाल कर उसको इस तरह से यू नो पॉट में डाल लिया, क्योंकि दूसरी तरफ मुझे यखनी तैयार करनी है। तो प्रेशर कुकर के अंदर मैंने फिर बाकी का मटन डालकर यखनी की चीज़ें डालकर रख दिया। मैं इसको ज़रा यू नो प्रेशर लगा दूंगी, इसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए ही लगाऊंगी। 5 मिनट में ना मटन जो है ना वो आपका बड़ा अच्छा गल जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि कच्चा, और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत गल गया, लाइक आपके लिए ना भुनाई की उसमें गुंजाइश रह जाती है। अगर आप ज़्यादा गला देते ना फिर भुनाई करते हुए मसला होता है। तो यहाँ से मैंने जो बर्तन वर्तन थे वो भी निकाल के डिश में डाल दिया। यहाँ पर मेरा सालन भी तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने पॉट रखा हुआ चावलों के लिए भी, तो दोनों चीज़ें मेरे साथ साथ ही बन जाएंगी और आफ्टरनून तक फिर सालन भी रेडी हो जाएगा और राइस। आजकल सोकर लेट उठ रहे हैं तो आधा टाइम जो है वो किचन में गुजर जाता है, उसके बाद टाइम वाइम निकाल के थोड़ी देर के लिए फिर मैं वीडियो बना लेती हूँ या कोई लाइव सेशंस वगैरह कर लेती होती हूँ। अब खाना डन करके ही करूँगी जो बाकी के काम करने होंगे। इसके ऊपर मैंने डाल दिया धनिया और साथ में मैंने स्लाइस डाल दिया जिंजर। लास्ट में ये जो आपको धनिया और जिंजर से फ्लेवर मिलता है ना, वो बहुत ही मज़े का होता है। इसको ज़रा मैं यू नो 4 से 5 मिनट के लिए बस अब दम पे लगा दूंगी। जिंजर भी हमारा अपना फ्लेवर दे देगा। यखनी के लिए भी जो मैंने टमाटर डाले ना, ये भी मैंने इसी तरह से पूरे डाल दिए। इनको प्रेशर तो नहीं लगाया, लेकिन इसको भी जब मसाले को पानी डाल के भूनते हैं ना, तो इसके भी छिलके आराम से अलहदा हो जाते हैं। उसके बाद आराम से छिलके निकालो तो काम आसान हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को ना थोड़ा सा आसान भी कर लिया करो, हर वक्त ना मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ा सा सैलड काट के रख लिया। मैं थोड़ा ना फ्रूट वगैरह भी साथ काट लेती होती हूँ। बच्चे वैसे तो कम ही खाते, लेकिन यू नो खाने के साथ खाया जाता है। यहाँ मेरा रायता भी तैयार हो गया और यहाँ मेरे चावल भी रेडी हो रहे हैं। और जब खाना खा लिया उसके बाद मुझे याद है कि मैंने पके हुए चावल तो आपको दिखाई नहीं, तो ये जो थोड़े से बच गए ना चावल, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, सिर्फ एक गिलास ही चावलों का बनाया था। इतने मज़े के बने हुए थे, इतने मज़े के बने हुए थे कि अब तो मैं आपको कोई मैंने इसमें बाहर वाला मसाला नहीं यूज़ किया, लाइक घर के मसालों के बनाए थे। लाइक मैं आपको पहले भी बता रही थी ना, आई थिंक अपने किसी वीडियो वगैरह में, आजकल मुझे व्लॉग बनाने का बड़ा दिल कर रहा, बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल मुझे व्लॉगिंग करने का। तो मैं कोई यू नो फजूल वाली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अगर व्लॉग बना रही तो उसमें कुछ ना कुछ आपको यू नो नॉलेज वाली बात बताई जाए। अब ये वाला जो ब्रश है ना, ये मैंने डोलरामा से लिया था। आजकल मैं इसके साथ अपने हेयर का मसाज कर रही हूँ। दिन में 2 दफ़ा मैं अपने हेयर को मसाज कर रही हूँ, ताकि मेरे वजह ना हेयर फॉल हो रहा वो ठीक हो जाए। खाने के बाद जी आ गया चाय का टाइम, अब चाय पियेंगे। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने यहाँ बैठ के चाय पी, साथ साथ थोड़ा सा टीवी देखा। और यूसुफ कह रहा था कि उसको बाहर जाना है। ये पता नहीं कौन सी सांप वाली मूवी लगी हुई, इस लड़की इसमें सांप बन जाती है, हिस नाम है आई थिंक मूवी का। चाय पीने के बाद फिर मैं यूसुफ को लेकर बाहर चली गई, क्योंकि छुट्टियाँ ना बच्चे सारा दिन घर बैठ बैठ के भी बोर हो जाते हैं। बड़े बच्चे तो माशाल्लाह से बड़े हैं, वो तो खुद भी चले जाते हैं, खेल कर आ जाते हैं। यूसुफ को ना मैं अकेले नहीं भेजती हूँ, कभी कभी बच्चों के साथ भेज देती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ही इसके साथ जाऊँ। वरना यू नो बच्चे अभी चोट पोट लगवा लेते हैं तो फिर टेंशन हो रही होती है घर बैठ के, यार चोट ना लगवा कर आ जाए। मूवी नाइट वाला पता नहीं आपने व्लॉग देखा था या नहीं, हालांकि इस स्कूटर पर जा रहा था, जरा जाते जाते गिर गया, उसके एल्बो पर इतनी सारी चोट लगी और उसके हिप बोन पर भी चोट लग गई। तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ मैं साथ ही जाऊँ। मैंने यूसुफ का, चलो यूसुफ मैं आपके लिए एक दो पिक्चर्स ले लूँ, पिक्चर्स लेने लगे यूसुफ के साथ ही पोस्ट तैयार हो जाते कि नहीं ऐसे करके, नहीं ऐसे करके लो मेरी पिक्चर। आजकल ना हमारे बिल्डिंग के एलिवेटर जितना ज़्यादा तंग करते हैं ना, कितना टाइम के लिए यहाँ पर खड़ा रहकर वेट करना पड़ता है। एक या दो एलिवेटर्स तो खराब भी हुई होती हैं, तो बड़ा टाइम लगाती है आने के लिए। कभी हम सीढ़ियों से चले जाते हैं और कभी हम यहाँ खड़े होकर फिर बातें करके या
वीडियो बना लेते हैं या फिर कोई फोटो शूट कर लेते हैं। यूसुफ वन टू तो सुना दे। नहीं ऐसे ओ एन ई वन। वन के स्पेलिंग बताएं। ओ एन ई वन। टू थ्री ओ थ्री। नहीं मैं नहीं करना चाहती। प्लीज नहीं इजी है ट्राई करो। थ्री टी सी यू। नहीं ऐसे थ क्या साउंड आता है। टी एच यू। नहीं नहीं मैं आर ई। दोबारा बताएं। देखो अभी तो नहीं दोबारा ट्राई करें जल्दी। ऐसे सब लोग देख रहे हैं जल्दी बताएं। थ्री के बता दें प्लीज। आई बेग यू। ओके टी एच यू ई। नहीं टी एच आर ई। गुड जॉब। और फोर। फोर तो इजी है ना। फोर तो इजी है वो सिंपल है ऐसे। फोर ट्राई करें। एफ ओ आर। आर से पहले क्या आता है। यू यू आर। एफ ओ यू आर। और फाइव प्लीज थोड़ा सा रह गया। फाइव ये पहला तो ये एफ एफ आई वी आर वी ई एफ आई वी ई। गुड जॉब। नहीं एक एक सिक्स तो आपको आता है। सिक्स तो आता है आपको। एफ आई एक्स। See, I told you. Good job. Okay. और सेवन के सुनाएंगे? नहीं। वो नहीं आपको आते? नहीं तो मुझे। ऐसे वो प्लीज ट्राई कर ले वन टाइम। नहीं मैं तो। Okay. तो जो। It's okay, baby. It's okay, my baby. Come on. Good job. Okay, I can hold it. Thank you, ma'am. Let's go. Yes, go on. Look at the door. I can hold. I will. आपका गाड़ी है। आपकी गाड़ी पे आ जाऊँ। नहीं एक सीट वाला है। मैं वॉक करके आ जाऊँ आपके साथ। ऐसा पार्क हम इसे खेलेंगे। हाँ हम फ्रिज भी लेके आए। मैं और यूसुफ फ्रिज भी खेलेंगे और साथ पानी पियेंगे। अच्छा ये कैरियर पार्क है और यहाँ जो जो चीज़ें मना की हुई है ना वो सब यहाँ पे हो रही होती है। वाह फिशेज है यूसुफ। इतनी ज्यादा है ये। क्यों आज इतनी ज्यादा फिशेज हैं। अब तो पिक्चर निकाल। सब ब्लैक है। ऑरेंज वाली कहाँ है। ऐसे वो वन नजर आई है मुझे ऑरेंज। टर्टल भी है। टर्टल। अब वाह टर्टल भी है। ले लिए। पार्क चले अब। यहाँ पे इतना मजा आ रहा था इधर बैठने का। अभी तो इतनी गर्मी है यूसुफ हम अभी क्यों आए हैं। इधर खेले इधर ट्रीज में। गुम हो जाएगी। गुम हो जाएगा नहीं कहते गुम हो जाएगी। ओके बेबी। ओके वन टू थ्री गो। वाओ सो कूल। हमजा भाई नजर आ रहे हैं। कहाँ है हमजा भी। यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ सोकर खेलने के लिए आया हुआ है। कभी मौसम अच्छा हो जाता है धूप हो जाती है कभी छांव हो जाती है ऐसे ही चली जा रहा है। यूसुफ दूसरी तरफ चला गया मंकी बार्स पे। अब जाकर देखती हूँ उसे मंकी बार्स करनी है। थोड़ा हेल्प करती हूँ जाकर अप्रिशिएट करती हूँ मोटिवेट करती हूँ चीयर अप करती हूँ इसको। ओके हाँ वन टू थ्री गो। वन टू थ्री। सब कर लिया आपने। गुड जॉब। ओके चलो वापस जाओ। ओके वेल डन वेल डन वेल डन। ये वाले मंकी बार तो आप इजीली कर लेते हैं। ये ट्राई करें। सेकंड से क्यों शुरू कर रहे हैं।
थर्ड से शुरू करें. ओके गो. गुड. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. ओ ओ क्लोज थे. हाँ जी अगेन आ रहे हो. ओके अपने अपने हैंड्स को जरा रब करो, थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे ना, फिर ट्राई करना. फिस्ट बनाओ, ऐसे बंद करो, ऐसे हाँ थोड़ी देर बंद करके रखो, ऐसे हाँ मसल्स रिलैक्स होंगे. नहीं ऊपर वाला हार्ड है बेटे, ऊपर से फिर चोट लग जाएगी. नहीं हाँ यहाँ से करो. हाँ करो. आजो आजो. ओके ये देखा, ये तो हो गया आपसे. मैं छत के जाऊं, इतना प्यारा बेटा. हाँ फाइनली. ओके यू हैव टू गेट दैट. आई मीन ये करना. ओके वन टू थ्री गो. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. Six पे डन कर लिया आपने. फिर यूसुफ को वहाँ पे कुछ बच्चे मिल गए. यूसुफ ने सोचा मैं उनके साथ जरा फ्रिस्बी खेल लेता हूँ. मैंने फिर उतने देर के लिए वॉक कर ली. यूसुफ ने इनके साथ खेल लिया. फिर जब ये लोग चले गए थे ना, फिर मैंने खेल लिया यूसुफ के साथ. लो भाई अब आ गया मेरा टर्न. अब थोड़ी देर के लिए मैं खेलूंगी. काफी सारे बच्चे जो थे ना वो पार्क में से चले गए थे. थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ खेला, फिर वापस हम करिया पार्क में चले गए. करिया पार्क में यूसुफ कह रहा था कि मेरे दूसरे फ्रेंड कह रहे थे वो करिया पार्क जाएंगे, तो हम भी वहीं चलते हैं. अब ये ग्राउंड तो सारा खाली हो गया था, कोई भी नहीं था, तो यहाँ बैठने का भी फायदा नहीं था ना. बच्चे अकेले खेलते हुए तो बोर होते हैं, कोई साथ में हो ना फिर भी खेला जाता. और आपने देखा होगा अक्सर मैं जब यहाँ पर आकर कोई वीडियो बना रही होती हूँ ना, यहाँ किसी ना किसी यू नो कपल का फोटो शूट हो रहा होता है. अब यहाँ पर फिर से कोई ब्राइड और ग्रूम आए हुए थे, उनका फोटो सेशन हो रहा था. मैंने कहा चलो अच्छा मैं इनके पास से जाकर देख कर आती हूँ जरा ब्राइडल कैसी लग रही है. माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी. हिजाबी थी तो अंदर उसने हिजाब लिया हुआ था, अदरवाइज उसका मेकअप वगैरह जो है ना सब बहुत प्यारा लग रहा था. यूसुफ को भी शायद थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लग रहा था. वो भी यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, ये लोग क्या कर रहे हैं. मैंने कहा इनकी शादी हो रही है, ये फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे. बस फिर यहाँ से थोड़ा सा हमने घूम फिर लिया, उसके बाद हम जा रहे हैं जब घर वापस. देखो वेदर ऐसा हो रहा है ना, कभी धूप हो जाती है और कभी छांव हो जाती है. जब छांव होती है ना तब हवा भी चलने लग जाती है, बादल आ जाते हैं, मौसम अच्छा लगने लग जाते हैं. अचानक से फिर से धूप आ जाती है और फिर गर्म हो जाता है, फिर गर्म लगने लग जाता है. इतनी गर्मी हो गई थी ना, फिर हम तो आगे भी घर वापस घर आके अब घर के बाकी. वैसे तो समर वेकेशंस चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों को ना जरा घर में काम वाम करवाते रहते हैं ताकि इनकी यू नो प्रैक्टिस रहे. जैसे यूसुफ राइटिंग प्रैक्टिस करता है, हम लोग जरा मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. और अभी देखो दोपहर का खाना खाया ना, किचन भी मेरा समेटने वाला पड़ा हुआ है. यूसुफ को वापस घर लाकर ना मैं मेकअप का वीडियो बनाने लग गई. ये वाला मैं मेकअप कर रही थी और बीच में से मुझे चाय बनाने के लिए किचन में आना पड़ा, तो मैं ऐसे ही आ गई. आधा आईज मेकअप किया हुआ मैंने, बाकी फेस अभी रहता मेरा करने के लिए. ऐसे ही आ गई मैं किचन में काम करने के लिए. ऐसे चल रहा होता है, साथ साथ घर के काम चल रहे होते हैं, साथ साथ मेकअप वाले काम चल रहे होते हैं. और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि खाना खा के फौरन ही तो बाहर चले गए थे ना, उस टाइम चाय नहीं पी थी. तो वापस आके मैंने सोचा चलो साथ साथ मेकअप कर लेते हैं, साथ साथ चाय पी लेते हैं. बस ऐसे गुजरता है मेरा दिन. चलो जी ये मेरा लुक फाइनल हो गया, और ये वाला लुक मैंने अभी टिकटॉक पे एक वीडियो बनाकर किया है और बड़ा प्यारा लग रहा है ये लुक. आपको ये लुक कैसा लगा? बस अभी ये लुक डन हो गया, शायद मैं थोड़ी देर के लिए लाइव सेशन करूंगी टिकटॉक पे, फिर उसके बाद किचन क्लीन कर लूंगी और उसके बाद सो जाऊंगी. टाइम जो है मेरे पास अभी 8:30 हो गए हैं. और ये आज मैंने नेल्स भी लगाए थे, पता नहीं भी कितने दिन के लिए चलेंगे. वैसे तो आज बड़े अच्छे नेल लगे, बड़े मजबूत लगे हैं मेरे से नेल, और वह सेम उसी ग्लू के साथ लगाए मैंने, वाइवा कलर की जो ग्लू थी. चले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टूडेज व्लॉग. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.